अच्छा लग रहा है ना मेरा ये केक वाला मोदक। वेल मेरा नहीं है क्योंकि मैंने नहीं बनाया, ये तो रिया जी ने बनाया ना फ्रॉम आर चौकोस। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने हमारे बप्पा के लिए भेजा है, तो जिस तरह बप्पा सबके होते हैं केक भी हमारा है। नेवर माइंड, लेट्स कट दिस साइड टॉक, गेट टू द पॉइंट। जी हाँ भैया, ये क्या हो रहा है भाग्य लक्ष्मी में? इतना बड़ा ओबेरॉय हाउस, और यहाँ पर जिसका मन करता है मुंह उठाकर चला आता है और किसी को पता भी नहीं लगता। चोर घुस आए हैं अब की बार, और खुलेआम चोरी हो रही है अब तो। चुपचाप मेरी बात सुनो, जितने भी गहने हैं पूरे उतार के मुझे दे दो और कॉपरेट करो, वरना मैं इसको गोली मार दूंगा। सादा ही रूपर लगू गरीबी में आटा गीला इसे कहते हैं। अभी तो बलविंदर ही लक्ष्मी के पीछे पड़ा था, लेकिन ये बिन बुलाए मेहमान ओबेरॉय हाउस में कहां से आ गए? आखिर ये इतने रईस लोग हैं, लेकिन इनके घर में कोई भी चोर उचक्के बिना किसी रोक टोक के आ जाते हैं। कभी बलविंदर भेष बदल कर आ जाता है, तो कभी इतने सारे चोर हाथों में बंदूक लिए तलवार लिए घर में दाखिल हो जाते हैं, और ऋषि एंड फैमिली को कानो कान खबर नहीं लगती। ये वाली मलिश्का की चाल नहीं है, बट बलविंदर से रिलेटेड चालें सारी मलिश्का की ही होंगी जो मुझे होता हुआ दिख रहा है। ये तो बस ऐसे ही कोई आता जाता हाथ मार गया बीच में, अपना करते गिराया। ऋषि निशाना नहीं है, उनका निशाना वो सिर्फ चोरी करने है, जो उन्होंने हीरा हमारे गणपति जी में लगा दिया था वो जो चोरी करने आया, बट उनका काम आसान नहीं हो पा रहा है इसलिए ये सिचुएशन बन गई है। बल्लू तो बेचारा अभी पीछे रह गया, बल्लू का तो मिशन स्टार्ट ही नहीं हो रहा, उसका तो मकसद ही नहीं पूरा हो पा रहा, वो तो शुरू ही नहीं हो रहा लौंडा अभी तक। जब वो शुरू होगा उसके बाद समझ आएगा क्या हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब जरा फोकस हम कहानी पर करते हैं। बात दरअसल ये है कि जो ये लुटेरे आए हैं उनका मलिश्का और बलविंदर से कोई लेना देना नहीं है। वो आए हैं अपने हीरों का ब्रेसलेट लेने, जो इन लोगों ने बप्पा की मूर्ति में छुपा दिया था, और अब वो ब्रेसलेट लक्ष्मी के हाथों में है। जो गणपति जी का जो माला है उसमें हमारा हीरा है करोड़ों का, तो गलती से हमारे आदमी ने, जब पुलिस उनको पीछा कर रही थी तो वो वहाँ पर छुपा दिया। तो इनके फैमिली में वो गणपति जी इनके फैमिली में यहाँ इस घर पे आ गया, तो हम लोग उसको लेने आए हैं। इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि कोई चीज़ भी आसानी से मिलती नहीं है, और हमारा फितरत है कि थोड़ा सा गुंडागर्दी करना, छीन लेना। चोरों ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए बाकी लोगों के जेवर भी उतरवा रहे हैं, इसलिए तो इतना हंगामा बरपा हो रहा है। मगर ऋषि ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए चोरों को चकमा दे देता है, और सब लोग यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। अब यहाँ तो बलविंदर भी है, जिसे समझ नहीं आ रहा कि भला चल क्या रहा है, क्योंकि उससे बड़ा गुंडा भला यहाँ कैसे आ गया, वो इसी कंफ्यूजन में है। खैर लक्ष्मी के रहते हुए कुछ भी अनर्थ नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।